कालावली का तहसील कार्यालय में एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल नायब तहसीलदार गुरुवार को दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से लोगों के काम नहीं हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को भी नायब तहसीलदार दोपहर 12 बजे पहुंचे और फरमान जारी कर दिया गया और इस बीच रजिस्ट्री नहीं होगी। लेकिन शाम 4 बजे फिर नायब तहसीलदार ने कहा कि रजिस्ट्रियों में मनमर्जी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले भी नायब तहसीलदार की इस तरह की शिकायतें सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर से नायब तहसीलदार द्वारा फरमान जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि दूसरी तरफ शुक्रवार को भी नायब तहसीलदार दोपहर 12 बजे पहुंचे और फरमान जारी कर दिया कि रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। लेकिन शाम 4 बजे फिर नायब तहसीलदार ने कहा कि रजिस्ट्रियां होंगी, जिससे लोगों और अधिवक्ताओं में काफी रोष हो गया। कह रहे हैं कि आप सुबह रजिस्ट्रियां नहीं की लेकिन शाम को आए और अब रजिस्ट्रियां करेंगे, इस तरह के आरोप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लगाए हैं, क्या कहेंगे जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह आए हम, दोपहर को 12:30 बजे आए थे चोपटा से और वहाँ सुबह आईडी लग चुकी थी। ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा से स्पेशल कंसेशन से ही दोबारा आईडी जनरेट करके एक दो जो ज्यादा ही जिनको प्रॉब्लम थी उनके लिए आ जाए हैं। और मैं आज ही आया हूँ सुबह चोपटा से, आज के लिए अपॉइंटमेंट थी। इससे पहले मैम साहब बैठते थे यहाँ पे, कह रहे हैं कि आप सुबह ही रजिस्ट्रियां नहीं की लेकिन शाम को आए और अब रजिस्ट्रियां करेंगे, इस तरह के आरोप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लगाए हैं, क्या कहेंगे जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह आए हम, दोपहर को 12:30 बजे आए थे चोपटा से और वहाँ सुबह आईडी लग चुकी थी। ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा से स्पेशल कंसेशन से ही दोबारा आईडी जनरेट करके एक दो जो ज्यादा ही जिनको प्रॉब्लम थी उनके लिए आ जाए हैं। और मैं आज ही आया हूँ सुबह चोपटा से, आज के लिए अपॉइंटमेंट थी। इससे पहले मैम साहब बैठते थे यहाँ पे, जरूर पूछा।